गाइस, देखा आपने बोरिया बिस्तर लेके चल रहा हूँ। तो गाइस हम जा रहे हैं एक एडवेंचर ट्रिप पे। अभी मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, आज हम जा रहे हैं रूटलैंड की तरफ। रूटलैंड यहाँ पे एक आइलैंड है जो साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं फिशिंग के लिए। तो आप सबको दिखाएंगे हम कुछ व्यू मैंग्रोव्स का भी, और यहाँ का जो सी है वो सी का व्यू भी आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में जुड़े रहिएगा। का मौसम बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। सामने एक छोटा सा शॉप है, कुछ स्नैक्स वगैरह चिप्स वगैरह ले लूँ। गाइस ये जो सामने है ये देख रहे हैं आप, ये है गुप्तापाड़ा फिश लैंडिंग सेंटर। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ऑलरेडी गुप्तापाड़ा फिश लैंडिंग सेंटर पहुंच गए हैं। तो यहां से हम जर्नी शुरू करेंगे, उसके बाद आपको आगे का जो भी है वो हम आपको दिखाते हैं। मैंग्रोव का राइड होगा, आप अच्छे से देखिएगा। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी बहुत बारिश शुरू हो गई है, मौसम भी थोड़ा बदल रहा है। तो दो चार लोगों का आने का वेट कर रहे हैं हम, देखते हैं जैसे ही आएंगे फिर निकलेंगे यहाँ से। तो तब तक आप लोग देखिए यहाँ की जो ग्रीनरी है, मैं आपको उसका एक शॉट दिखाता हूँ। ये एक तरफ का व्यू है, और इसी को अगर हम यहाँ देखें तो बैक साइड पे भी देख सकते हैं। तो ये हमारा बोट, हम तैयार है सेल के लिए।
दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अंडमान किसी जन्नत से कम नहीं है। तो यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक जॉली बॉय है जो टूरिस्ट के लिए ओपन है, दूसरा रेड स्किन है जो टूरिस्ट के लिए ओपन है। विंड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तब रेड स्किन चलता है, जब विंड प्रेशर कम होता है तब जॉली बॉय चलता है। मोस्टली आप कह सकते हो जो हमारा यहाँ पे रेनी सीजन है उस टाइम पे जॉली बॉय जो है बंद रहता है और तब इसको खोल दिया जाता है। दोस्तों आज वैसे कि हम लोग जा रहे हैं फिशिंग के लिए, तो हमारे पास कुछ नेट्स हैं, नेट का बंडल रखा हुआ है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आगे तो मास्क की जरूरत नहीं है क्योंकि समुद्र में हम हैं और अब हम चार ही लोग हैं साथ में, तो इसके बाद मैं मास्क खोल दूंगा। तो भाई लोग निकल गए हैं यहाँ से जाल लेके। तो जैसा कि आप सबको बताया था कि हम लोग यहाँ पहुँच गए थे, आपने देखा जो मेरे साथ में आए लोग थे वो लोग छोटी नाव लेके जाल के साथ चले गए वहाँ अंदर। वहाँ पे उन लोगों ने जाल डाला और नाव छोटी है इसलिए मैं जा नहीं पाया उसमें, क्योंकि एक तो नाव छोटी है, ऊपर से उसमें इंजन नहीं है, चप्पू चलाना पड़ता है, लोड ज़्यादा होता है और काफ़ी सारे वो लोग नेट लेके गए हैं साथ में। तो वहाँ अंदर में वो लोग इस नेट को डालेंगे और उसके बाद हम लो टाइट का थोड़ा वेट करेंगे। लो टाइट का वेट करने के बाद में उस जाल को दोबारा हम उठाने जाएंगे, तो शायद तब मैं जाऊँ क्योंकि तब तक अंधेरा हो चुका होगा, तो मैं आपको वीडियो भी नहीं दिखा पाऊँगा। अभी देखिए वैसे ही लो टाइट होना शुरू हो गया है और यहाँ देखेंगे आप पानी के अंदर तो थोड़ा सा आपको व्यू दिखा दूँ कोरल्स का। उतना क्लियर तो नहीं रहेगा पानी के अंदर। आप फोन से शूट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये कोरल्स है। अगर थोड़ी बहुत हवा शांत होती तो भी व्यू आपको दिख जाता। हवा चलने की वजह से पानी हिल रहा है तो इतना अच्छा अभी दिखाई नहीं देगा, बट थोड़ा और लो टाइड होने के बाद में ये दिख जाता है। थोड़ा सा जूम करेंगे अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग फिशिंग कर रहे हैं हैंड नेट से।
ये है मैंग्रोव का व्यू, सामने अभी सनसेट का टाइम है। ये जो सबसे ऊंचा वाला पहाड़ दिख रहा है ये है रूटलैंड, जिसको यहाँ पे लोकली हम लोग बोलते हैं काला पहाड़। तो गाइस यहाँ सूरज ढल चुकी है, अंधेरा होने को आया और पूरे बोट में मैं अकेला हूँ, कोई भी नहीं है। आप देख सकते हैं पूरा लास्ट तक सिर्फ मैं हूँ और भाई लोग वहाँ कहीं हैं अंदर। और सामने देखिए मौसम पूरा बदल चुका है। आपको यहाँ पे एक और चीज़ देखने मिलेगा, जो मौसम बदला है वो तो आपने देखा ही है, बट आप ध्यान से देखेंगे तो उस एरिया में देखिए बारिश हो रहा है वहाँ पे। और गुड न्यूज़, भाई लोग आ रहे हैं, काफ़ी दूर है अभी, 10-15 मिनट लगेंगे उनको चप्पू चला के यहाँ तक आने में। दोस्तों बाहर बारिश हो रहा है, आपको आवाज़ आ रहा होगा, हमने ऐसा टेंट बना लिया ऊपर, आप देख सकते हैं, तो पूरा बोट को ऐसे ही कवर कर दिया। और एक छोटा सा सोलार लाइट है जो अच्छा खासा बैकअप देता है 8-10 घंटे तक का, या उससे भी ज़्यादा चल जाएगा, क्योंकि सिर्फ अभी एक 9 वाट का बल्ब ही चल रहा है इससे। तो बैटरी जो है कार में यूज़ होने वाली बैटरी है और चार्जिंग इसको करते हैं सोलर पैनल से। तो दोस्तों अभी तक हमारा जाल डाले कम से कम 2-3 घंटे हो गए हैं, और एक जाल मैंने अभी रिसेंटली मैं गया था डालने के लिए, तो तब वीडियो शूट तो नहीं कर पाया। और अभी सिस्टम ये है कि लो टाइड के लिए हम वेट कर रहे हैं, लो टाइड जैसे ही थोड़ा लो टाइड होता है उसके बाद में हम जाल को निकालेंगे और देखेंगे उसमें आज का क्या मिलता है हमें, और उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि हमें क्या मिला है क्या नहीं मिला। और अगले सुबह, कल सुबह ही हम यहाँ से निकलने वाले हैं, तो वीडियो में जुड़े रहिएगा हमारे साथ। पीछे भाई लोग भी आ गए हैं, सब बारिश की वजह से सब पीछे बैठे हैं, और ये हमारा नाव साइड पे है। मनोज भाई चाय बना रहे हैं, सबको ठंड लग गया बारिश में भीग भाग के। आज हमारा चाय के साथ है, ये क्या है, मॉम्स बिस्किट, मॉम्स काजू, मॉम्स काजू बटर बिस्किट। और चाय का कार्यक्रम खत्म होने के बाद अब बन रहा है हमारा रात का डिनर, यहाँ पे बन रहा है चावल अभी, और मछली वही जो हम पकड़ के लाएंगे वो इसके बाद बनेगा, पहले चावल बना के रख के फिर हम जाएंगे।
तो हमारा मच्छी कट के तैयार हो गया है। अब हम फिश फ्राई, इसमें सभी मैकरेल्स है, सिर्फ एक ये वाला कुकरी यानी जैक फिश। फिशिंग का आपको दिखा नहीं पाए, अंधेरा ज़्यादा था और छोटा सा नाव था, उसमें कैमरा वगैरह लेके जाना थोड़ा दिक्कत था, बारिश भी हो रही थी, अभी भी बारिश हो रही है और बंदे अभी तक सो रहे हैं। पीछे आपको दिख रहा होगा एक भाई यहाँ बैठा हुआ है, एक पीछे है, एक सो रहा है अभी तक। सूरज निकल चुका है, मौसम बहुत प्यारा है बाहर का, बारिश कंटिन्यू चल रही है। तो अभी हम जाएंगे वापस और वहाँ पे आपको दिखाएंगे जो भी है मिला। अभी इस ये आइस बॉक्स है जहाँ मैं बैठा हूँ, इसी में है जो भी हमने पकड़ा। दोस्तों ये था अब तक का नेट फिशिंग का वीडियो जो हमने गुप्तापाड़ा फिश लैंडिंग से जर्नी शुरू की थी और यहाँ पे रूटलैंड के पास है और अब हमारा वापस जाने का टाइम हो चुका है। सुबह हो गई है तो घर जाना है, ब्रेकफास्ट वगैरह करना है।
फिश तो आपने देखा क्या हमें मिला था, बस नेट से कैसे फिश निकाला जाता है यह हम आपको दिखा नहीं पाए, बट अगली वीडियो में हम कोशिश जरूर करेंगे। तो दोस्तों ये था अब तक का हमारा वीडियो जिसमें हम नेट फिशिंग कर रहे थे, और मुझे दुख है कि मैं आपको दिखा नहीं पाया कि रात में जाल कैसे, जाल से मछली निकालते हैं या जाल को कैसे छोड़ते हैं, क्योंकि अंधेरा हो चुका था। अचानक प्लानिंग बनने की वजह से पूरा सेटअप ले भी नहीं पाया, और हमारा अगला वीडियो हम कोशिश करेंगे कि आपको लाइव फिशिंग का भी दिखाए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको नोटिफिकेशन में हमेशा मिलती रहे। अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं आपसे। नमस्कार।